तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022, आपका जो है इंग्लिश विषय का पूरा पेपर। ठीक है, कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022, समय आपका 2.5 घंटे का, 75 नंबर का आपका पूरा पेपर है। यहाँ पर आपको देखिए पूरा आपका जो है कक्षा 10वीं 100% वायरल हो गया आपका पूरा पेपर, रियल 100% रियल पेपर लेकर आए हम आपके लिए। कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश, इंग्लिश का पेपर हो गया आपका वायरल, कक्षा 10वीं रियल पेपर हो गया वायरल, क्वार्टरली एग्जाम, त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हो गया वायरल। तो वीडियो देखने से पहले सबसे पहले तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रियल पेपर लेकर आए हैं। तो बिना देरी करे देखते हैं हम रियल पेपर को। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंट्रोडक्शंस। तो रीड द ऑल क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, मार्क ऑफ द ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो यहाँ पर आपको जो है सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। सेक्शन ये है रीडिंग, क्वेश्चन 1 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको इसमें जो है ये पैसेज है आपका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर आपका जो है पैसेज है यहाँ तक, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसमें दिए गए पूछे गए सभी क्वेश्चन के जो है आपको आंसर देने हैं। तो हम जो है आपको ये पैसेज आप पढ़ लीजिए, पूरा ये आपका पैसेज दिया गया है। तो आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारा आ जाता है क्वेश्चंस, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको इसको पैसेज को पढ़ना है और यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ कर जो है राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, प्रश्न में ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको उनको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आपको पैसेज में से देखना है कौन सा आंसर सही है, तो उस पर जो है आपको राइट में लिख देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रेट हेल्प, तो पहला है आपका हेल्पिंग अ मैन स्पिरिचुअली, हेल्पिंग अ मैन इंटेक्चुअली, हेल्पिंग द मैन फिजिकली और नॉन ऑफ देम। ठीक है, सॉल्यूशन है तो आपको कल वीडियो मिल जाएगी। व्हाट गिव्स परमानेंट सेटिस्फिकेशन, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन में फिजिकल हेल्प, स्पिरिचुअल हेल्प, मेंटल हेल्प, ऑल ऑफ देम। ठीक है, फिर इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द वन हु प्रोवाइड बेनिफिट, तो यहाँ पर है बेनिफिकेटर, हेल्पर, मिसर, स्वीपर, तो आपको जो भी राइट लगे तो उसको जो है राइट कर देना। तो फिर यहाँ पर ये जो है आपके सभी एक एक नंबर के हैं। तो इसके बाद जो है चौथा है व्हाट इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट हेल्प एंड व्हाई, व्हाट इज़ मदर ऑफ ऑल एविल, और यहाँ पर है फिर क्वेश्चन है व्हेन विल मिसेरी कीज इन द वर्ल्ड और राइट अ सुटेबल टाइटल। ठीक है, तो सॉल्यूशन शायद वीडियो आपको अगली वीडियो में पूरा सॉल्यूशन, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, जब तक आप अपने मन से इस पेपर का सॉल्यूशन कीजिए, बाकी सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 है रीड द पोयम गिवन वैल्यू एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इस एक यहाँ पर आपको एक पोएम दी गई है और इस पोएम को आपको पढ़ना है और इसके जो है सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, तो पोएम आप पढ़ लीजिए। तो फिर क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपको पोएम जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये पोएम है। और फिर इसके क्वेश्चन हैं राइट द नेम ऑफ द हीरो एंड हीरोइन ऑफ द पोएम, गिव वन क्वालिटी ऑफ द पर्सन हु वॉज वेड एलन, वाई डिड द हीरो नॉट स्टे और स्टॉप एंड वेयर, पिक आउट द एंटोनियम ऑफ ब्रिज रूम। राइट, पांचवा क्वेश्चन है राइट टू क्वालिटी ऑफ द हीरो, और छठवा क्वेश्चन है वेयर डिड द हीरो अलाइट, और सातवा क्वेश्चन है विच रिवर डिड द हीरो क्रॉस। ये आपके एक एक नंबर के यहाँ पर देखिए, एक एक नंबर के ये आपके सभी क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन 3 है टुडे मैन वॉरशिप मैमोम अलोन मटेरियल वेल्थ इज हिज बी ऑल एंड ऑल दिस मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड हैज लेट लूज द हाउंड्स ऑफ सेल्फिशनेस। तो ये जो है आपका पूरा पैसेज है, तो आपको इस पैसेज में से जो है इन क्वेश्चन आंसर को करने हैं। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट गिवन वैल्यू प्रिपेयर राइट ऑन द गिवन टॉपिक, तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ आपको टॉपिक दिए गए हैं, तो आपको इस पर जो है एक ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर जो है ये आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ म्यूजिक, तो इस पर आपको जो टॉपिक लिखना है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको इसको पढ़ लेना है और यही आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन 5वां है राइट अ टेलीग्राम टू योर फादर टू अटेंड उत्काल एक्सप्रेस एस यू आर रीचिंग रायपुर बाय उत्काल एक्सप्रेस। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक टेलीग्राम लिखना है, एक आपको अपने पिता को लेटर लिखना है जिसमें जो है आपको जो है उत्काल एक्सप्रेस एस यू आर रीचिंग रायपुर बाय उत्काल एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। यू आर सो शुभम अटेंड एन NCC कैंप राइट अ पोस्ट कार्ड टू योर फादर ऑन योर एक्सपीरियंस इन द कैंप। फिर छठवा है, तो आपको छठवी में जो है यहाँ पर
आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको बढ़ा कर और बड़ा लिखना है, मतलब कि इसको 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बेस्ड बेस्ड ऑन द डिटेल्स पिक्चर गिवन। तो आपको ये पिक्चर देखनी है, ये फोटो आपको देखनी है, और इस पर से जो आपको एक वो बनाना है, एक चित्र, एक पैराग्राफ लिखना है। और फिर इसके बाद जो है सेक्शन सी आ जाता है, यहाँ पर ग्रामर क्वेश्चन 8 है, फिलिंदी ब्लैंक्स 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए, पूरे फिलिंदी ब्लैंक्स देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके जो है सभी किस की। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू एज डायरेक्टेड, यानी आपको कोई फाइव करनी है, डू एज डायरेक्टेड आपको कोई फाइव करनी है, 6 है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 10 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको ये जो है इतनी पोएम पढ़नी है, एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, और आपको नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है फिर क्वेश्चन 11 है, हाउ शुड रिच वाइफ स्पेंट द एंड हस्बैंड टू द बेस्ट एडवांटेज सपोर्ट योर आंसर विथ टेक्सुअल रेफरेंसेस। फिर इसके बाद जो है और में है इसमें, व्हाट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द ऑथर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड द मैथमेटिक टीचर प्रूव डेट ही वॉज मोर श्रेव्ड देन द फॉर्मर पुपिल। फिर इसके बाद जो है आपका अथवा का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, आप इस पूरे पेपर को आप देख लीजिए, आपको जो है पूरा पेपर आपको आप अगली वीडियो में पूरा हल सहित आपको पूरा पेपर मिलेगा। और ये आपका ये जो है आपका पेपर हो गया है वायरल, यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हो रहा है आपका ये जो है पेपर। तो अगली वीडियो में जो है हम इसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं, आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।